हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स साइंस, चैप्टर नंबर 10। टुडे इज आवर न्यू टॉपिक बेटा 10.3 सम मेजरमेंट। तो एक्टिविटी वन है, इसमें एक्टिविटी वन में क्या दे रखा है, एक्टिविटी वन को पढ़ते हैं। वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन। आपने ग्रुप में ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है, और एक एक करके एक्टिविटी करनी है वन बाय वन। यूजिंग योर फुट एज आ, अपने पैर का यूज करना है इसमें। क्या करना है, यूजिंग योर फुट यूनिट ऑफ आ लेंथ, इसमें अपने आपने पैर का यूज करना है। और मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। एक क्लासरूम दिया गया आपको, जैसे कोई क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है, तो इसकी जो मेजरमेंट करनी है अपने, इसकी जो लेंथ मेजरमेंट करनी है अपने, किस में करनी है, किसकी हेल्प से करनी है, अपने पैर की हेल्प से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, फुट स्टेप करके इस तरह से आप अपने पैर की हेल्प से आप एक रूम की मेजरमेंट करनी है। इट इज पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दिस यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेंस टू द मेजर एज इट इज स्मॉलर देन योर फुट। इट इज पॉसिबल, या पॉसिबल है दैट वाइल मेजरिंग दिस, जो आप मेजर कर रहे हो, यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेंस, लेकिन जैसे यहां तक आपकी मेजरमेंट हो चुकी, लेकिन एक पार्ट ऐसा भी आएगा मेजरिंग के टाइम पे कि भाई आपका मतलब कुछ स्पेस बच जाएगा। जैसे आपने लास्ट टॉपिक में देखा था, यहाँ पे देखो ये लास्ट स्पेस बच रहा है, इसमें तो इक्वल इक्वल है, दोनों के दोनों इक्वल है, लेकिन इसमें क्या है, हल्का फुल्का ये स्पेस जो है ये बच रहा है। तो ऐसे इसमें इसके केस में भी ऐसे ही होगा, जो आप मेजर कर रहे हो यहाँ तक आपके पैर आ गए, ठीक है, जो लास्ट स्टेप हुआ है, लेकिन उसके बाद हल्की सी ये जगह बच जाती है। तो आप इसको कैसे मेजर करोगे, सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट इज स्मॉलर देन योर फुट, ठीक है, आपके पैर से वो स्मॉलर है वो, तो यूज अ स्ट्रिंग। तो आप धागे का यूज करके यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1, जो आपने ऑब्जर्वेशन किया उसको रिकॉर्ड करना टेबल 10.1 में। टेबल 10.1 है मेजरिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम, आपने लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई अपने क्लासरूम की मेजर की है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स, भाई किस किस स्टूडेंट्स ने वो मेजरिंग की है, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, तो इन तीनों के जो पैर है ना वो अलग अलग है, अलग अलग उनकी शेप, अलग अलग उनका साइज है। तो लेंथ ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की जो लेंथ है वो कितनी आई है और वेड्थ कितनी आई है, वो यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखनी है। तो एक्टिविटी टू में क्या दे रखा है, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू सी योर हैंड स्पैन। यहाँ पे अब हमने किसका यूज किया था, अपने फुट का यूज किया था, ठीक है, किसका यूज किया था हमने यहाँ पे, फुट का यूज किया था। तो इसमें किसका यूज करना है, हैंड स्पैन का यूज करना है, ठीक है। तो वर्क इन अ ग्रुप, ग्रुप में काम करना है, एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल। अब इसमें टेबल या फिर डेस्क की विड्थ चौड़ाई को मेजर करना है इन द क्लासरूम के, जो टेबल वगैरह होती है, बेंच वगैरह होती है, उसकी विड्थ को क्या करना है, मेजर करना है। हेयर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैन। और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने के लिए इसकी जरूरत होगी स्ट्रिंग लेंथ की, इक्वल टू योर हैंड स्पैन एंड देन फ्रैक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट और रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। जितना भी आपको ऑब्जर्व जो आपने किया है, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए वो टेबल 10.2 में आपने रिकॉर्ड करना है। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। हम क्या करते हैं, जो अननोन क्वांटिटी है मतलब नॉन क्वांटिटी में, उसको कन्वर्ट करते हैं। भाई हमें ये पता नहीं इसकी लेंथ कितनी है, कोई भी डेस्क वगैरह है या फिर कोई क्लासरूम है, हमें नहीं पता इसकी जो लेंथ और विड्थ कितनी है, तो हम वो क्या होगी, अननोन क्वांटिटी। और किस में कन्वर्ट करते हैं, नॉन क्वांटिटी में हम उसको फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या है, नॉन क्वांटिटी है। हु मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल, अब यहाँ पे भी बच्चों के नाम लिखने हैं, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, गीता हो गई, तो ये मेजर कर रहे हैं किसकी, टेबल की विड्थ को, और नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स, और कितने नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स में वो कंप्लीट किया है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स में उसको क्या किया, मेजर किया है, कितने हैंड स्पैन उसमें यूज हुए हैं विद सम नॉन क्वांटिटी, और दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट की डेफिनेशन इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है। अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच हैज अ फिक्स्ड
value which does not change from person to person or place to place is called a standard unit of measurement बोलेंगे. A unit of measurement which has a fixed value होती है उसकी, which does not change from person to person or place to place is called standard unit of measurement होती है. For example, जैसे meter है, मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, ठीक है. और वेदर अ मीटर इज यूज बाई वन पर्सन और अनोदर पर्सन, वेदर द मीटर इज यूज इन वन कंट्री और अनोदर कंट्री, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्टली द सेम लेंथ, ठीक है. मतलब उसकी जो लेंथ होगी ना वो सेम ही होगी, ठीक है, चाहे एक आदमी उसको यूज करे चाहे दूसरा आदमी उसको यूज करे. जैसे इसका मीटर का यूज करते हैं, ठीक है. तो द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स. वन पार्ट इज अ नंबर और द अदर पार्ट इज यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एक्टिविटी वन द लेंथ ऑफ द रूम, हमने एक्टिविटी वन में क्या किया था, रूम की लेंथ को फाइंड आउट किया था और टू बी 12th लेंथ ऑफ योर फुट, ठीक है, जो रूम की लेंथ को फाइंड आउट किया था और इसमें कितने कितने आपने उसको यूज किया था, 12 लेंथ ऑफ योर फुट, फुट का यूज किया था ना. देन 12 इज द नंबर एंड फुट, 12 क्या है नंबर एंड द फुट लेंथ इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट. ये 12 क्या हो गया, नंबर हो गया, ठीक है. 12th इज द नंबर और जो फुट है आपने यूज किया था, फुट उसको किस में, किसको, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट में, ठीक है. आपने सेलेक्ट किया था यूनिट, फुट लेंथ इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट. फुट लेंथ इज द क्या होगी, वो यूनिट होगी किसकी, फुट लेंथ. फुट लेंथ इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट. तो नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट recorded in table 10.1, 10.2 और all the measurements for the room using everybody foot equal. क्या जो हमने 10.1 में और 10.2 में जो activity की थी, जो हमने measurement किया था, क्या वो सभी person की equal है, नहीं, कभी भी equal नहीं होगी क्योंकि size पे depend है, ठीक है. तो room using everybody foot equal, no. Are everybody measurement by hand span of the width of the table equal, no. ये भी इक्वल नहीं था क्योंकि सभी का जो हैंड स्पैन है वो अलग अलग है, ठीक है. तो परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट. भाई हमें पता है जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट ही आएगा, एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी द सेम. आपका और आपके जो दोस्त हैं उनका जो हैंड स्पैन की लेंथ है वो क्या है, अलग अलग है. तो सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. हल्की फुल्की डिफरेंट मिलेगी, किसी की हथेली मतलब थोड़ी चौड़ाई में भी हो सकती है, ठीक है, किसी की पतली भी हो सकती है, डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. और तो देयर फॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ ऑफ फुट एज अ यूनिट टू अदर्स, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज, ठीक है. अगर हम किसी दूसरे को बताएंगे तो वो भी नहीं एस्टिमेट कर पाएगा कि भी उसकी जो लेंथ है वो कितनी है एक्चुअली में. तो अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट. We see therefore that some standard unit of measurement are needed. भाई हम देखते भी हैं और कुछ जो standard unit होती है measurement की वो हमें ज़रूरत भी होती है, उनको उनकी हमें ज़रूरत होती है उनको measure करने के लिए, that do not change from person to person. तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, 10.4 है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अब स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ेंगे मेजरमेंट की कौन कौन सी हैं. इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में क्या करते थे, द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. किस किस का यूज करते थे पुराने समय में लेंथ को मेजर करने के लिए, लेंथ ऑफ अ फुट, पैर की लेंथ का, विड्थ ऑफ अ फिंगर, फिंगर की विड्थ का एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है. ये उसको वन क्यूबिट बोलते हैं, इसको भी वन क्यूबिट बोलते हैं, ठीक है. एंशियंट यूनिट है, क्यूबिट इज एन एंशियंट यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ फोर आर्म, ठीक है, फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप्स. क्यूबिट एट डिफरेंट लेंथ फॉर डिफरेंट पीपल एज शोन इन द फिगर अबव पिक्चर. तो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होती है इनकी डिफरेंट डिफरेंट पीपल में. द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एग्जर्वेशंस ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. कौन कौन से उनके, अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स. अभी अभी मैंने फिगर में बताया था आपको, एक क्यूबिट
a cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as unit of length in other parts of the world. और ये world के बहुत सारे parts में भी इसको accept किया गया. People also use the foot as a unit of length in different parts of the world. कुछ लोग foot का use करते थे किसी चीज़ को measure करने के लिए, ठीक है. और द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन. सभी की अलग अलग होती है फुट की जो लेंथ होती है. तो पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटर स्ट्रेच्ड आर्म एंड द देयर चिन. ठीक है, पीपल मेजर अ यार्ड ऑफ क्लॉथ, कोई क्लॉथ का यार्ड लेते थे, ठीक है, और बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म से लेकर के एंड देयर चिन तक उसको मेजर करते थे. और द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स. इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एन अंगुल. ठीक है, पुराने इंडिया में इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए किसका यूज करते थे, उंगल का, अंगुली का, ठीक है, फिंगर का, और या फिर किसी फिस्ट मुट्ठी का यूज करते थे. इवन टुडे आज के टाइम पे वी कैन सी फ्लावर, जो फ्लावर सेलर होते हैं जो फूलों को बेचते हैं, फूलों की माला बना के बेचते हैं यूजिंग देयर फोर आर्म. ठीक है, फोर आर्म को यूज करते हैं और एज अ यूनिट के रूप में ऑफ लेंथ ऑफ फोर गार्लैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया. जो फुल माला बेचते हैं वो फोर आर्म का यूज़ करते हैं मेजरिंग के लिए. मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज अ यूनिट ऑफ लेंथ और व्हेन कन्वीनिएंट. मतलब इस टॉपिक में यही बताया गया है कि पुराने टाइम पे जो पीपल्स होते थे वो कैसे किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स का किसका यूज़ करते थे. ठीक है, हैंड का हो गया, फोर आर्म का हो गया, ठीक है, आपके फुट का हो गया. तो हाउ एवर एवरी वंस बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज. भाई सभी को पता है कि सभी का जो बॉडी पार्ट्स है वो डिफरेंट साइज का है. तो दिस मस्ट हैव क्योज्ड कन्फ्यूजन इज मेजर इन मेजरमेंट. इन 1790 में क्या हुआ था, द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट. फ्रेंच ने क्या बनाया, एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया. उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं. क्या बोलेंगे उसको, मैट्रिक सिस्टम. फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मली साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. सभी ने उसको स्वीकार किया था. द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. उसको बना दिया गया था, ठीक है, यूनिट्स नाउ यूज्ड इन नाउ एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. जिसको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर. लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर में उसको मेजर करते हैं लेंथ को. अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6, आल्सो शोन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन ज्योमेट्री बॉक्स. जब आप ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेते हो तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है. तो ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर. ठीक है, तो 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं. 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 10 mm होंगे. तो ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन कॉल्ड सेंटीमीटर, और ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन कॉल्ड मिलीमीटर. ठीक है, तो फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट. मेजर करने के लिए जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं, जो लंबे जो डिस्टेंस होते हैं, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर का यूज नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वी डिफाइंड लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ इट इज कॉल्ड द किलोमीटर. ठीक है, जो मतलब जैसे आगरा है, आगरा से जो दिल्ली है वो कितनी दूर है, 200 किलोमीटर. ठीक है, तो ऐसे हम मेजर करते हैं. ठीक है, जो लंबा रास्ता होता है उसको मेजर करने के लिए. नाउ वी कैन रिपीट ऑल ओवर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल. स्टैंडर्ड स्केल से मेजर करेंगे हम जितने भी और एक्टिविटी है मेजरिंग की. तो इन ऐसे यूनिट में बिफोर, मतलब नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटी. हम दोबारा से रिपीट करेंगे जितनी मेजरमेंट एक्टिविटी, किसका यूज करेंगे, स्टैंडर्ड स्केल का यूज करेंगे एंड मेजरिंग ऐसा यूनिट में इसको मेजर करेंगे. बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ. हमें पता होना चाहिए मेजरिंग करने से पहले कि उसको कैसे करेक्ट वे से हम उसको मेजर करें, लेंथ को एंड डिस्टेंस को. तो टॉपिक 10.5 का करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे. इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस. हम बहुत सारे डिवाइसेस का यूज करते हैं. वी यूज अ मीटर स्केल, अ मीटर स्केल का भी यूज करते हैं.
वी यूज अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग अ लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर स्केल आपने देखा होगा, लकड़ी का भी होता है, आयरन का भी होता है। लकड़ी का कहाँ होता है, टेलर के पास होता है। ए टेलर यूजेज अ टेप और वेयर एज ए क्लोथ। मर्चेंट यूजेज अ मीटर रोड, मीटर रोड का यूज करते हैं जो कपड़े बेचते हैं। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू मस्ट चूज अ स्टेबल डिवाइस। यू कैन नॉट मेजर द गिर्थ ऑफ द ट्री ऑफ द साइज ऑफ योर चेस्ट। ठीक है, आप किसी पेड़ की जो मोटाई होती है, जो उसका स्टेम की जो मोटाई होती है, किसी ट्री की जो स्टेम है उसकी जो मोटाई होती है, उसको आप चेस्ट से मेजर नहीं कर सकते हो अपनी। ठीक है, साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल नहीं आप यूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टैप इज मोर स्टेबल, टैप इज मोर स्टेबल फॉर दिस। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, यू कैन यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल का भी यूज कर सकते हो फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से। ठीक है, फॉर स्मॉल मेजरमेंट के लिए, स्मॉल मेजरमेंट के लिए। ठीक है, सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, जैसे पेंसिल की लेंथ को मेजर करना है, यू कैन यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मेजरमेंट करते वक्त। टॉपिक पॉइंट वन है, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। ठीक है, ऐसे आप इसको करेक्ट वे में लगाओ जिसकी आपने लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक टू है इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन, किसी स्केल्स का जो एंड है वो टूटा हुआ होता है। ठीक है, यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क, आप जीरो मार्क को नहीं देख सकते हो तो क्लियरली। तो 10.8A में बता रखा है यहाँ पे जीरो मार्क नहीं है, तो आप क्या करोगे, सच कैसे, यू शुड अवॉइड आप उसको अवॉइड कीजिए, जैसे इसमें बता रखा है अवॉइड कीजिए टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द जीरो से, आप जीरो से वहाँ से मत लगाइए उसको, आप 1.0 से स्टार्ट कीजिए। मार्क द ऑफ द स्केल, यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग, यू मस्ट सब्ट्रैक्टिंग द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.8B द रीडिंग एट वन एंड इज 1.0 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड इज द इट इज 14.3 सेंटीमीटर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द 14.3 माइनस में 1.0 इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर आपकी फाइंड आउट हो जाएगी मेजर। ठीक है, जैसे इसमें बता रखा है कि इसमें जीरो से स्टार्ट नहीं किया है, देखो इसमें ये वन से स्टार्ट है। ठीक है, तो आपका थर्ड पॉइंट है करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। अगर आप किसी चीज़ को आप मेजरमेंट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो आपकी जो आई की पोजीशन है, जो आप देख रहे हो, ठीक है, उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। योर आई मस्ट बी एग्जैक्ट।